हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। चुने गर्लफ्रेंड का पसंदीदा फूड और जाने उनका एक लव सीक्रेट। अक्सर देखा गया है कि लड़कियां खाने पीने की बेहद शौकीन होती हैं। कुछ लड़कियां चटपटा खाना पसंद करती हैं तो वहीं कुछ मीठा पसंद करती हैं। लड़कियों की फूड हैबिट्स उनकी लव लाइफ के कई राज खोलती हैं, जो शायद आप नहीं जानते। आज इस वीडियो में हम आपको खाने की कुछ अलग अलग पिक्चर्स दिखाएंगे, जिनमें से आपको अपनी गर्लफ्रेंड या जीवन संगिनी की पसंद का खाना चुनना है। इसके लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे, फिर हम आपके सिलेक्ट किए फूड से आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ के कुछ लव सीक्रेट्स बताएंगे। तो ये चुने उनका पसंदीदा फूड और जाने लव लाइफ से जुड़ा उनका एक बड़ा सच। चुने उनका पसंदीदा फूड। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने आइसक्रीम चुनी है। आइसक्रीम का नाम सुनते ही बहुत सी लड़कियों के मुंह में पानी आ जाता है। लड़कियों को अधिकतर चॉकलेट या स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बेहद पसंद होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिन लड़कियों को आइसक्रीम पसंद होती है, ऐसी लड़कियां स्वभाव से काफी रोमांटिक और नॉटी किस्म की होती हैं। ये लाइफ को खुलकर एंजॉय करती हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने कॉफी को चूज किया है। जिन लड़कियों को कॉफी पसंद होती है, कहा जाता है कि ऐसी लड़कियां न सिर्फ रोमांटिक नेचर की होती हैं, बल्कि इनमें आत्मनिर्भरता और कल्पनाशीलता की क्वालिटी भी साफ साफ देखी जा सकती है। यही नहीं, ये अपने लाइफ पार्टनर के प्रति पूरी तरह से वफादार होती हैं, हालांकि ये थोड़ी सी खर्चीली भी होती हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने चॉकलेट चुनी है। चॉकलेट अधिकतर लोगों की पसंद होती है, लेकिन वे लड़कियां जिन्हें चॉकलेट बेहद पसंद है, ऐसी लड़कियां स्वभाव से नाजुक मिजाज होती हैं। ये स्मार्ट और डैशिंग लड़कों की ओर जल्द ही आकर्षित हो जाती हैं। चॉकलेट लवर्स लड़कियां अपने पार्टनर को कभी धोखा नहीं देती। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने मिठाई चुनी है। जिन लड़कियों को मीठा या मीठे में मिठाई खाना बहुत पसंद होता है, उनके बारे में कहा जाता है कि ऐसी लड़कियां बहुत ही ईमानदार और सरल स्वभाव की होती हैं। हालांकि इन्हें गलत बात पर जल्दी गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन इनमें एक खूबी ये भी होती है कि ये मुश्किल हालात में भी अपने पार्टनर का साथ कभी नहीं छोड़ती। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने चटपटा चुना है। चटपटी चीजें जैसे गोलगप्पे या चाट पसंद करने वाली लड़कियां खट्टे मीठे स्वभाव की होती हैं। ऐसी लड़कियां लाइफ में हर चीज का पूरी तरह से मजा लेने वाली होती हैं। बात अगर लव लाइफ की हो तो ये उसमें भी अपने स्वभाव से खट्टे मीठे रंग भरकर उसे प्यार से भर देती हैं। अपने से जुड़े लोगों को ये कभी बोर नहीं होने देती। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने चाय चुनी है। कुछ लड़कियां चाय की बहुत शौकीन होती हैं। जो लड़कियां ज्यादा चाय पीती हैं, कहा जाता है कि वो बहुत ही नम्र स्वभाव की होती हैं। ये बहुत अधिक महत्वाकांक्षी तो नहीं होती, लेकिन अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती हैं। परिवार के साथ बेहतर तालमेल बनाने में ये बहुत माहिर होती हैं। अब बात करते हैं उन लोगों के जिन्होंने आलू को चुना है। कुछ लड़कियां आलू और आलू से बने व्यंजन बहुत पसंद करती हैं। ऐसी लड़कियां सरल स्वभाव की होती हैं और अपने पार्टनर को धोखा नहीं देती, बल्कि जरूरत पड़ने पर उन्हें हर मुश्किल समय से बाहर निकालना बखूबी जानती हैं। इनकी सबसे खास बात है कि ये आत्मनिर्भर होती हैं। अपने पार्टनर और ससुराल वालों के साथ इनकी अच्छी पड़ती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने नॉनवेज चुना है। वे लड़कियां जो नॉनवेज पसंद करती हैं, कहा जाता है कि ऐसी लड़कियां बहुत ही एनर्जेटिक और मिलनसार होती हैं। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का होता है। ये लव मैरिज में अधिक यकीन रखने वाली और अपने पार्टनर का साथ कभी नहीं छोड़ने वालों में से एक होती हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने चावल चुना है। आखिरी में बात करते हैं चावल पसंद करने वाली लड़कियों के बारे में। जिन लड़कियों को चावल खाना अधिक पसंद है, वे अपने प्यार का इजहार खुलकर जाहिर करती हैं। ये खुले विचारों की होती हैं और जरूरत पड़ने पर पार्टनर को प्रपोज करने से भी पीछे नहीं हटती। इन्हें प्यार में दिखावटीपन पसंद नहीं होता, इन्हें मेहमान नवाजी का भी बहुत शौक होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हों तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।